पहले डालेंगे बस दे। बस भर दो क्या? अरे मुझे मुझे पता है बेटा, मैं बना रहा हूँ, आप नहीं बना रहे हो। अब थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और मैं हाथों हाथ से डालता हूँ क्योंकि मुझे हाथ से अंदाजा आता है। तो यह सॉस बाद में डालेंगे, ठीक है। अब इसमें हल्का सा हम सिरका भी डालेंगे, इसको भी ढक्कन से डाल देते हैं। और अब इसको घुमाओ आप सही से, पूरा सही से मिल जाए, देन उसके बाद थोड़ा सा और ये हो जाए, देन उसके बाद मसाले डाल देंगे। और अभी हमने इसमें क्या क्या डाला है, कैरेट डाला हुआ है और कैप्सिकम डाला हुआ है और ये पत्ता गोभी डालेंगे, ठीक है। इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, आपके टेस्ट अनुसार। पत्ता गोभी, कैप्सिकम और हमने कैरेट डाला है, और भी आप डाल सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अनियन, और वो ऊपर से डालेंगे क्योंकि उसको अगर हम पहले ही डाल देते हैं वो एकदम गल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने सैलेड में और खाने में प्याज, और अच्छी भी चीज़ है, जितना कच्चा आप प्याज खाओगे उतना बढ़िया, उसके बड़े बड़े आप काट लें प्याज को। अब ये उस हिसाब से नहीं गलेगा, पहले डाल देता हमें छोटा सा हो जाता, गल जाता, बट ये थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, बढ़िया से सॉटे हो जाएगा तब आएगा। इसे घुमाते रहो, अगर आप घुमाओगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। तो गाइज ये हो गया है, अब इसमें मसाला ऐड कर देते हैं और वो अपना टेस्ट अनुसार आप मसाला ऐड कर सकते हैं, हम भी हल्के हल्के करेंगे। ये थोड़ा सा धनिया हो गया, धनिया को थोड़ा सा आप डाल सकते हो, ठीक है। हल्दी भी अच्छी चीज़ है, हल्दी से कलर आ जाता है। और थोड़ा सा चाट मसाला, मैं सब हाथ से ही डालता हूँ, मुझे ना उससे आइडिया नहीं लगता, थोड़ा सा लाल मिर्च। चलो गाइस ये हो गया, इसको साइड निकाल लेते हैं। अरे कपड़ा ले लो यार, कपड़ा ले लो, तुम मुझे भी चलाओगे तुम मुझे भी चलाओगे। खुशबू आ रही है बहुत जबरदस्त, देख लीजिए आप कैसा लग रहा है ये, मजा आ रहा है देख के। हम गूंदेंगे आटा। सो गाइस आटा हमने निकाल लिया है और थोड़ा सा इसमें मैदा ऐड करेंगे हम, क्योंकि घर पे अगर बना रहे हैं हम कुछ तो थोड़ा सा हेल्दी रहे तो ज्यादा बढ़िया। और अगर आप आटा आटा बनाओगे ना तो आपका जो रोल है ना वो टूटेगा, थोड़ा उसमें मैदा मिक्स कर दोगे, जैसे ये जितना है इसका 50% कर दो इसमें, ठीक है। जल्दी, थैंक यू निकी। आटा थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे। कई लोग ना शुभ के लिए भी डालते हैं, बोलते खाली आटा गूंथते नहीं है, ये देख लो जरा ये हीरोइन होली होली है, पिट्टी कर दूंगा। अभी काफी दिनों बाद तो क्या इतना ठीक है, बस रहने दो तू। बहुत सारे लड़कों को क्या लड़कियों को भी गोल रोटी बनानी नहीं आती, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा गोल रोटी कैसे बनाते हैं। रोटी बहुत छोटी बनी है, इस चीज का दुख है मुझे क्योंकि आटा और लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं रोल की जगह रोली खा लूंगी कि वैसे बाहर से बहुत खा लेते हैं कचर कचर। ये रोटी तो मैं सही बोलूं, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, बट रोल बनाना बहुत अच्छा आता है मुझे, ये देख सकते हैं। अब बताए कौन बताए, ये गोल है या कैसा है मुझे बताओ, प्रियंका गोल है, ऐसी लड़कियां भी नहीं बना पाती रोटी यार, सही कह रहे हो। क्या बात कर दी आपने, सेजवान चटनी, ये ग्रीन चटनी और ये सॉस है हमारे। प्रियंका के मुंह में पानी आ रहा है, अरे ऐसा कुछ। अब ये डलेगा यहाँ पे, ज्यादा प्रियंका लेते नहीं है ये, बट थोड़ी पतली होनी चाहिए, बट ये बहुत मोटी मेयोनीज है, पर कोई बात नहीं, मैंने उसको बोल दिया ना कि मैं आपसे बात नहीं करूँ। अच्छा इसलिए हो रही है, तो तुम उसको ऐसे क्यों बोलते हो, सीजर फेंक रही थी यार। कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करूंगा, और ऐसे आप अपना रोल खाइए।
देखो यार सही सही बता ना कैसा है, क्या कमी है, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम जेन्युइन फीडबैक देता हूँ और लेता भी जेन्युइन फीडबैक हूँ, क्या कमी है मुझे सब पता लगना चाहिए। जैसे तुम बनाती वैसे तो नहीं होगा, बट तब बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना हुआ है, जिस हिसाब से चीजें कम गिरी है, मैंने नॉनवेज भी कम करवाई है और हमारे पास सॉसेस भी थोड़ी उस तरीके की नहीं है, जैसे हम सिर्फ तंदूरी भी डालती है डालते रहो। बहुत अच्छा बना है इसको, मसाला अच्छा बना हुआ है। अच्छा, और उसके बाद इसमें ना जो शेजवान डली है वो ऐसे जब मसाला बनाता है ना उसके ऊपर ऐसे, फिर उस पर मेयोनीज, उस पर तंदूरी मेयोनीज ऐसे डालना चाहिए। हाँ ठीक है, जो होती है वो डालो, मस्त टेस्ट आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, मस्त आ रहा। चलो ऐसे नहीं बोल रही, बना के देखना अच्छा। नहीं नहीं आप भी बना के देखना, सॉसेज आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे, ठीक है, वो तो आपके टेस्ट के अनुसार है, बट जितनी हमारे पास सॉसेज अवेलेबल थी हमने उतना यूज किया। जो कॉन्सेप्ट है रोल बनाने का वो यही है, तो घर पे आप बना के ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कैसे बना। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम नहीं, जब कुछ समझ नहीं आता हम क्या करते हैं, तो हमारा काम है बाइक उठाओ और निकल जाओ। और देखो ऐसी ऐसी शानदार शानदार कोठियाँ देखो, वाह, इससे क्या होता है ना आपको आइडिया मिलता है, पहली बात तो आपको अच्छा लगता है कि वाह हमारा भी एक दिन ऐसा घर होगा, और दूसरा आइडिया मिलता है कि ऐसा घर बनाना है या ऐसा घर बनाना है। ये देखो वो भाई साहब, ये देखो ये, अरे तो नया नया बनाया गुरु प्रसाद। ऐसे देखने में बहुत मजा आता मुझे तो, हमें तो, मुझे नहीं, दोनों को। ये भी पॉश इलाका लग रहा है। पॉश इलाका ही है, बढ़िया इलाका है भाई सब। सेक्टर 40 में, नोएडा सेक्टर 40 में ना जो कोठियां है ना वो साईं बाबा वाले, उसमें प्रवीण, हां भाई सब ऐसी कोठियां यार जबरदस्त मजा आ जाता है देखने में। हां उनके तो सारी कोठियों के बाहर गार्ड बैठे रहते ना, देहरादून में तो गार्ड वाली कोठियां दिखती नहीं है। ये देख ना, इतने घर देखने को मिलते हैं, मजा ही आ जाता है, अलग अलग तरीके के, रोज अलग मोहल्ले में जाओ, हम तो जाते हैं अलग अलग मोहल्ले में, इसका भी अलग मज़ा है, आप ट्राई करके देखना। वो देखो सामने, ये देख, ये देखो सब गोप्रो ऐसे देखते हुए जाते हैं, क्या लगा रखा है, हैं गोप्रो भाई साहब क्या लगा लिए, अच्छा ये बन रहा है तो देहरादून, तो रेंट का जुगाड़ तो तभी होता है, नीचे दुकानें बना दो ऊपर घर बनाओ, तभी तो एक परमानेंट फिक्स्ड इनकम कैसे बनेगी। बीगल, अब आपको मैं दिखाऊंगा मेरी हमारी फेवरेट कोठी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और सबसे मजेदार कोठी है और सबसे अच्छी लगती है रॉयल, उससे बढ़िया कोठी हमने देखी नहीं। पार्किंग का अलग एरिया जबरदस्त, और मतलब दिल खुश हो जाता है। अब ये देखो पार्किंग सेम बना रखी है दोनों ने, शायद फैमिली होगी, ये जो घर आ रहा है ये है जबरदस्त, एक ये इसकी और इस घर की दोनों की पार्किंग इन्होंने सेम कर रखी है कॉमन, खतरनाक है, या शायद इसी की है पार्किंग। ये भाई साहब घर हो तो ऐसा हो रॉयल हेवन, ऐसा घर हो जबरदस्त कि देख के मजा आए, कोई घुस मतलब रिश्तेदार भी घुसने से पहले 100 बार सोचे अरे यार कोई बड़ा गिफ्ट ले जाना पड़ेगा, छोटा मोटा तो चलेगा नहीं कहीं कैमरे, और हमारा भी एटीट्यूड ऐसा कैमरे में देख लो, अगर गिफ्ट छोटा है तो मत आने दो कि घर पे कोई नहीं है कि इस स्टाइल से, मतलब ये सिर्फ उन्हें के लिए है जो मतलबी लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो अच्छे लोग हैं वो तो बिना गिफ्ट के भी चलेंगे, लेकिन जो मतलबी रिश्तेदार है उनका गिफ्ट बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट, चाहे उसके अंदर ईंटें भरी हो। ये बढ़िया था गुरु देखो ये है देहरादून पहाड़, सुकून है, कितना भी बिजी रहो यहाँ पे इंसान अब खुद के लिए समय निकाल ही लेता, पर यहाँ पे ना ऐसे मुझे ऐसा लगता है ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है ना,
जैसे नोएडा में है ना, हमारे यहाँ तो पार्क भी इतने बड़े बड़े थे, खेलने में मजा आता था, यहाँ छोटे छोटे जितने थे। ये भी किसी की जगह होगी वो छूटी हुई है, मतलब पार्क बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। देहरादून में कोई पार्क ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई पार्क नहीं है कि मतलब, या तो पेड़ पार्क होगा कोई जगह में, ऐसा कोई पार्क नहीं है कि जैसे होता है ना सोसाइटी का या एरिया का पार्क, ये पार्क है भाई, यहाँ पे बच्चे खेलो। और ये बहुत नेसेसरी है, नीड होती है, हर जगह होना होता है। जैसे नोएडा में तो हर सेक्टर में आपको एक पार्क मिलेगा जहाँ पे आराम से कोई बैठ जाए, खेल ले, कुछ तो कर ले। हाँ, कहीं आराम से खेल सकता है वहाँ पार्क में, और भी बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों से मिल सकता है बंदा, सोशल हो सकता है पार्क में जाके ना। बुड्ढे लोग भी जाएंगे तो वहाँ पे बुड्ढे लोग भी बैठे होंगे, तो एक अड्डा मिल जाता है बैठने का, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। धर्मकांटा, ये धर्मकांटे में तो तुझे भी तोड़ लेंगे ना, तुझे भी तोड़ लेंगे। तुम्हें भी तो तोड़ लेंगे। अरे मैं तो वेट मशीन में तुल जाऊँ। मैं भी तुल जाती हूँ, ठीक है। पर है सुहाना कम क्या हो, किसने जाना। तो दोस्तों काफी हमने घूम लिया है, तो हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। क्या ले रहे हो? हैं? एक पतेला है, इसके लिए आराम से जाएगा। बस ठीक है, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? चॉकलेट। चॉकलेट है शुक्ला जी? हाँ। अरे यार शुक्ला जी, आपको ना बॉयकॉट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अरे यार चॉकलेट ही नहीं रख रहे लड़की के लिए हमारी। कौन सा वाला? वो वाला कल देखा मैंने। अच्छा वो वाला? हाँ दाद वाला ना। थकान हो रही थी मैडम, सो रही थी। ये क्या हाल चाल है? बताओ दीदी के लिए क्या लेना है? ये लाफिंग बुद्धा है, ये भगवान जी है, ये हनुमान जी है, टॉम। टॉम तो वहाँ है। जबरदस्त लग रहा है, ऐसा महंगा होगा है। साले पैसे भी तो जबरदस्त हो गए इसके लिए, 1000-2000 से कम का ना होगा मुझे लगता है। मुझे दिखाओ यहाँ पर होगा। ये एवेंजर कितने का है? ये एवेंजर सर आपको पड़ेगा 1200 जी। ये देखो गर्ल्स का है ना, इसमें ये ऐसे घूमते हैं हाथ, पैर भी पूरा। अच्छा वहीं पे ना। हाँ वो सही है वैसे, इसको कपड़े पे रहते प्लास्टिक के। अच्छा आज ही लेना है वो? तो आज ही सुबह तो हमें करनी है, तुम्हें पता है 7 बजे का तो रहता है, 7-8 बजे का, सुबह तो टाइम ही नहीं रहता वैसे भी 10-11। चलो 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 वहीं चलते, ये बाद में लेंगे। टॉम तो चलो ना, फिर पहले दीदी के लिए गिफ्ट लेंगे, इसको पहले यहां से कुछ खा ले। अरे भाई साहब चॉकलेट ले लो पहले। चॉकलेट कितने का पड़ेगा फाइनल बताओ? ये टॉम निक है क्या? ले ले। अरे ये देखियो टॉम, निक्की निक्की अभी वहां से लेंगे दूसरी शॉप से। कितने का पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा 5.5। 5.5 का है निक्की, ये बाद में लेंगे बेटा। अरे भाई साहब अभी तो तेरे लिए गिफ्ट लिया यार बेटा, आपको कहीं नहीं ले जाना फिर तो। बाजार जा रहे हैं अभी, मार्केट जा रहे लेने, मार्केट से लेंगे। वो देखो अंकल बोल रहे खराब है वो मेरा बेटा। हाँ ये अंकल बोल रहे खराब है, मार्केट से लेंगे और बड़ा वाला लेंगे। टॉम बहुत बड़ा, ठीक है भैया थैंक यू। हाँ ये ले, ठंडू है चलो। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल हमें कंचक बनाना है और उसके लिए हमने गिफ्ट ही नहीं लिया। और धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम तेरी ऐसी तैसी, धूम धूम तेरी ऐसी वैसी, धूम धूम तेरी ऐसी वैसी। सस्ता बढ़िया दिखाओ, मतलब 100 के अंदर अंदर दिखा दो। सस्ता भी बढ़िया। हाँ होता है क्यों नहीं होता, तभी तो हम आपकी दुकान में आए हैं। मैं समझ गया आपकी बात। हंड्रेड रुपीज का 85 में। हाँ साला यहीं से ले
लेना था, पता नहीं दिमाग मुझे काम नहीं करती ना, ऑफलाइन ही कर सकता हूँ, ऑनलाइन करूंगा तो ये मेरा नंबर एक का काम है मेरा सारा, तो इसका बिलिंग होती है मेरी, अच्छा रिकॉर्डेड है ये सारा काम मेरा, मेरा रिटेल का काम सब है और होलसेल का सारा, होलसेल का अच्छा शॉप उठाती है डायरेक्ट ना, इसीलिए मैं वो नहीं करता, कहता अगर दो चार बंदे आएंगे लेने के लिए तो मेरे को पड़ता ही नहीं खाएगा। अच्छा ठीक है, बढ़िया है यार, बढ़िया दुकान है ये, किसी को भी खरीदनी हो स्टेशनरी यहीं से खरीदे, हम इनकी दुकान का एड्रेस, अरे यार कार्ड नहीं लिया ना, तन्वी शॉप का नेम है उसका जो 100 वाला आता है वो, ठीक है, बहुत बहुत सही है, मतलब आपको अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी लेनी है तो यहाँ आके ले, बहुत आपका पैसा बचेगा। और फिलहाल हम पल्टन बाजार से निकल रहे हैं और घर की तरफ। सो दोस्तों कल की पूरी तैयारी हो चुकी है, कल जैसा कि आपको बताया नवमी है और हमें कंचक बनाना है और बच्चों के सारे गिफ्ट भी हमने ले लिए, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय बाय।